विक्की है जो बपरौल से आते हैं। अपोस्टल जी, आपने इनके लिए भविष्यवाणी की थी कि आपके पास कब से थी? दो साल से। अब ठीक है, कैसे ठीक हुई? आपने मेरे सर पे हाथ रख के प्रार्थना की, उसी दिन से मैं चंगी हूँ। और पहला मकान मेरा ही टूटना था। अरे बाप रे, पहला मकान आपका था जी। फिर क्या हुआ? फिर मैं प्रेज द लॉर्ड पोस्टल जी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड कलीसिया। ये भाई विक्की है जो बपरौल से आते हैं। अपोस्टल जी, आपने इनके लिए भविष्यवाणी की थी कि आपके पास 3 गाड़ियां होगी जी। पिछले संडे इन्होंने अपोस्टल जी एक न्यू गाड़ी 8.5 लाख की खरीद चुके हैं और अब इनके पास 3 गाड़ियां हो गई। Praise Lord. यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, छुटकारा 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 यीशु के नाम से, छुटकारा 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 यीशु के नाम से, 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 छुटकारा 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 यीशु के नाम से। अगर आपके पास 3 गाड़ी और मैंने कह दिया 4 होंगी तो 4 होंगी। आमीन। पर ध्यान से सुनना, मुझे कहने वाला यीशु मसीह एक बार कह दे तो मैं कहूंगा, तब पूरा होगा। आमीन। मैंने एक को देखा, अपोस्टल जी आप मेरे बारे में भी कुछ कह दो। है मैं क्या कह दूं? मैं कुछ भी कह दो। मैंने कहा तू सोते ही रहे। नहीं, मैं कहा फिर मुझे यीशु मसीह के सुनकर बोलने दे, तब वो पूरा हुआ। जब परमेश्वर मुझे कहेगा, आपने कहा था मुझे कि मेरी गाड़ियों को 3 के लिए बोल दीजिए। नहीं, मैंने कहा 14 जुलाई को पुस्तल जी आपने बोला था। 14 जुलाई को मैंने नहीं बोला था, यीशु मसीह ने बोला था। मैं बोलूंगा तो पूरा नहीं होगा, लेकिन यीशु मसीह की सुनकर बोलूंगा तो पक्का पूरा होगा। आमीन। गड़बड़ ना हो जाए, अब तू गवाही दे रहा वहां, किसी से डरते थोड़ी हैं। ये अब बात है, प्रेज द लॉर्ड। दिया है तो दिया है। आमीन। डरना नहीं है। अरे जिनसे जो डरा रहे हैं वो हमारे घर में राशन थोड़ा डालने आते हैं। यस। क्या कहते हैं? यस। उन्होंने बेटी भेजी है मिठाई? नहीं, खुद लाए, खुद लाए, अपनी मेहनत की कमाई के लाए। 8 लाख में कुछ था उनका? कुछ नहीं था। वो तो विरोधी थे, वो तो बातें मारते थे। वो तो कहते 2.5 लाख चर्च वाले देते हैं, वहां चले जाते हैं। मैं कहा तुम भी चलो अमेरिका क्यों बैठे, वहीं आओ, 2.5 लाख लो। मैं कहा वहां क्या करना है तुम लोगों ने, 2.5 लाख यहाँ मिल रहा है, घर में आओ। और क्या, ये तो लाइव चल रहा है, मैं तो खुला बोल रहा हूँ, देखेंगे तो बस हिल जाएंगे। यहाँ भी आज भी वहां खड़ा है। आमीन। ये वो व्यक्ति है जिसको धमकियां दी गई कि वहां मत जाना, काट देंगे, लेकिन देखो क्या कह रहा है, आज भी यहीं खड़ा हूँ। किस किस को मालूम है इसकी पत्नी में दुष्ट आत्मा थी? खुश है? हाँ जी। God bless you, प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। Praise the Lord, अपोस्टल जी। Praise the Lord. अपोस्टल जी, ये भाई कुलदीप हैं, जी, जो सेक्टर 47 से आते चंडीगढ़ से। इनकी पिछले 5 साल से प्रमोशन नहीं हो रही थी। जी। एक दिन अपोस्टल जी आप इनके घर पे गए और आपने इनके लिए प्रार्थना की और कहा कि परमेश्वर आपकी जॉब में आशीष देने के लिए जा रहा है। जी। और इनकी प्रमोशन हो गई। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं, ये हम बताने आए हैं, ये हम बताने आए
ये कौन सी तारीख को आपको प्रमोशन क्या कह रहे थे आप कुछ कह रहे थे ना? हाँ जी प्रमोशन अपोस्टली ये वैसे 5 साल से रुकी हुई थी तो हमें अब प्रमोशन मिली है, लेकिन बैक डेट से दी है उन्होंने, 2022 से हमारी प्रमोशन मानी गई है। लोगों को करंट डेट से मिलती है, हमें बैक डेट से मिली तो उसका क्या फायदा है? उसके हमारी सीनियरिटी जो पीछे से गिनी जाएगी, हम सीनियर गिने जाएंगे 2022 से। क्या बात है, हाँ ये नया चेला नहीं होगा पुराना होगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुश हैं? बहुत खुश हैं, बहुत आशीषित किया परमेश्वर ने हमें। प्रेज द लॉर्ड अपोस्टल जी। प्रेज द लॉर्ड। इस बैंक का नाम निर्मला है, ये दिल्ली से है। इनकी गवाही है कि इनका घर कच्ची कॉलोनी में था, सरकार का ऑर्डर था कि जितने भी घर कच्ची कॉलोनी में है वो तोड़ दिए जाए। ये बहन बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, पर ये बहन 2 साल से लगातार चर्च आ रहे थे और परमेश्वर के दास जो सरमन देते थे उन्हें ये विश्वास के साथ सुनते थे, और इन्हें विश्वास था कि परमेश्वर इनके घर को टूटने नहीं देगा, और परमेश्वर इनके विश्वास को देखा और इनका घर टूटने से बचा लिया। यीशु जी तेरे कोल आके रूदाई नाम पाके, यीशु जी तेरे कोल आके रूदाई नाम पाके। बहुत बड़ी बात है, मुझे भी मालूम है इस बात का। मैंने इश्तिहार में ये न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि जितनी कच्ची कॉलोनियां हैं दिल्ली में वो टूटने जा रही हैं। जी, और पहला मकान मेरा ही टूटना था। अरे बाप रे, पहला मकान आपका था जी। फिर क्या हुआ? फिर मैं घुटने टेक करके प्रार्थना कर रही थी, और आपकी मैं क्या आपकी प्रार्थना और आपकी दया हमारे साथ काम करती है। गॉड ब्लेस यू। ये बहन दिव्यांशी है जो कि बल्टाना से आते हैं जी। इन बहन को 2 साल से लकोरी की बीमारी थी और ये बहुत परेशान रहती थी। अपोस्तल जी, आपने इस बहन के लिए सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना की और उसके बाद ये बहन बिल्कुल चंगी हो गई। हर खुशी मैनू यीशु ने बताई है, इस खुशी विच अंब पर आई है। हर खुशी मैनू यीशु ने बताई है, इस खुशी विच अंब पर आई है। लकोरिये की बीमारी कब से थी? 2 साल से। अब ठीक है? कैसे ठीक हुई? आपने मेरे सर पे हाथ रख के प्रार्थना की, उसी दिन से मैं चंगी हो गई। सुन, आज ऑयल लेकर जाना, हमेशा चंगी रहेगी। यस आमेन। उसको खाना है रोज डेली, एक ड्रॉप खाना है। यस अंदर लेना है। यस कभी नहीं होगा। यस और दूसरी बात, तेरे स्कूल में क्लास में जितने भी बच्चों को लकोरिये की बीमारी है उन सबको बताना है कि तुझे किसने चंगा दिया। यस आमेन। ठीक है, उनको पोस्टर्स के बारे में ये सारी चीजों को बता, आने वाले टाइम में वे भी चंगे होंगे। यस आमेन। गॉड ब्लेस यू।